एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 1, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर के कंटेंट्स है कैथोड रे ट्यूब CRT, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो कि बोलते हैं CRO, फंक्शन जनरेटर और डिजिटल मल्टीमीटर जिसका शॉर्ट फॉर्म है DMM। अब इन चारों डिवाइसेस में से डिजिटल मल्टीमीटर आपके सिलेबस में से कम हो गया है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये 3 डिवाइसेस पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी कोई सिग्नल को हमें स्टडी करना होता है या फिर उसको मेजर करना होता है, तो हमें सबसे पहले उसके वेवफॉर्म का जो बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे स्टडी करना होता है। सो उसके लिए ये सारे डिवाइसेस जो है, ये तीनों चारों, ये यूज़ होते हैं। और ये सारे डिवाइसेस किस तरीके से वो सिग्नल्स को डिस्प्ले करते हैं, उसमें प्रोसेस क्या होती है, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। सबसे पहले हम CRT देखेंगे। CRT को सबसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि CRT मेन और इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है। और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जब हम पढ़ेंगे, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो एक पार्ट है, मेन पार्ट, वो है CRT। CRT जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब हम वो चालू करेंगे। अब CRT में 4 टाइप्स की असेंबली होती है। सबसे पहली होती है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, दूसरी होती है डिफ्लेक्शन असेंबली, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ग्लास इन्वेलप एंड बेस ऑफ द ट्यूब। अब ये क्या होता है, हम वो डायग्राम के ज़रिए देखेंगे। कैथोड रे ट्यूब, ये है कैथोड रे ट्यूब की ब्लॉक डायग्राम। ये सारे उसके इंटरनल पार्ट्स है और ये एक ट्यूब स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज़ CRT, व्हाट इज़ कैथोड रे ट्यूब। उसका डेफिनेशन क्या है? स्पेशल कंस्ट्रक्टेड वैक्यूम ट्यूब विच एक्ट एज अ विजुअल इंडिकेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। उन्होंने क्या बोला है? स्पेशल कंस्ट्रक्टेड वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब मतलब क्या होता है? जब डायोड का इन्वेंशन नहीं हुआ था या फिर जब डायोड यूज़ नहीं करते थे, तब यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, तो वही वैक्यूम ट्यूब है यहाँ पे। अब ये CRT में क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पर ये स्ट्राइक होता है, तब हमें यहाँ पे विजुअल इंडिकेशन मिलता है कि वेवफॉर्म कैसी है, वेवफॉर्म कैसे दिख रही है, उसमें जो पैरामीटर्स है वो कैसे है। अब हमें कोई भी चीज़ का जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तभी वो हमें अच्छे से याद में रहती है। तो इसीलिए ये CRT बनाया गया था कि जैसे कि यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा, उसका विजुअलाइजेशन यहाँ पे होगा और हमें उसके सारे पैरामीटर्स की अच्छे से जानकारी मिलेगी। CRT अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि CRO, रडार, और पुराने जो हमारे TV थे उसमें भी, उसमें थोड़ा सा एडवांस टाइप का CRT था। अब CRT के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डिफ्लेक्टेड CRT और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली डिफ्लेक्टेड CRT। अपने सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिकली डिफ्लेक्टेड CRT है, तो हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले अब जो हमने असेंबली देखी थी, 4 पार्ट्स देखे थे CRT के, तो सबसे पहले था इलेक्ट्रॉन गन असेंबली जो कि ये पार्ट है, फिर डिफ्लेक्शन असेंबली जो कि ये पार्ट है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन असेंबली और ग्लास इन्वेलप। सबसे पहला ये पार्ट, पिंस फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन, यानी कि जो भी सिग्नल है, जो भी वोल्टेज है, वो हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये बेस है, ये पिंस है, यहाँ से हम कनेक्शन देंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब ये पार्ट आता है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली इज़ कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड 3 टाइप्स ऑफ एनोड्स, जो कि फर्स्ट है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फिर फोकस एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड। अब यहाँ पे 3 टाइप के एनोड्स क्यों है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अब बेस और पिंस से यहाँ से वोल्टेज अंदर आएगा। अब यहाँ पे ये कैथोड है, यानी कि निगेटिव चार्ज है, और ये है कंट्रोल ग्रिड
तो यहाँ पे जो सिग्नल आएगा उसको, ये जो यहाँ पे फिलामेंट है उसको वो हीटअप करेगा। अब जितना ज़्यादा सिग्नल होगा, जितना हाई सिग्नल होगा, उतनी ही ज़्यादा हीट होगी, सो ये उतना ज़्यादा हीटअप होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आयन्स जब इमिट करेगा तब जितना ज़्यादा वोल्टेज उतने ज़्यादा आयन्स होंगे। और अब सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम है तो वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। सो अब कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ये ग्रिड से बाहर आने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे ये इस जो ग्रिड है इसमें एक छोटा सा होल होता है, उसमें से वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। और ये जो सिलेंडर है वो निकेल सिलेंडर है, और हमने उसे निगेटिव ग्रिड यानी कि निगेटिव चार्ज से सप्लाई दिया है। यहाँ पे एक्सेलरेटिंग प्लेट्स आती हैं, यानी कि पहली होती है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। अब एनोड मतलब यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये तीन प्लेट्स, तीन एनोड क्यों दिए हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला होता है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। अब ये बोला है प्री एक्सेलरेशन मतलब उसको वो गति देता है, उसको वो फास्ट भागने के लिए ताकत देता है। तो जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इमिट होंगे, तो ये प्री एक्सेलरेटिंग एनोड जो है वो उसको आगे एक्सेलरेट करने में मदद करेगा। और यहाँ पे एनोड से और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, एनोड्स का पॉजिटिव चार्ज, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ से वो फास्ट जाएंगे। दूसरा होता है फोकस एनोड। फोकस एनोड इसीलिए यूज करते हैं कि अब यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इधर उधर जाएंगे। बट जब फोकस एनोड होगा यहाँ पे तो वो उसको फोकस करता है और आगे एक लाइन में ढकेलता है। अब यहाँ पे देखो, जो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड है उसको 10 kV, 2 kV to 10 kV वोल्टेज देते हैं, बट जो फोकस एनोड है उसको 400 वोल्ट दिया है। यानी कि जो प्री एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड है उसका वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन पर्पस के लिए यूज़ करे जाते हैं। बट जो फोकस एनोड है उसका वोल्टेज कम होता है, यानी कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स इस पोर्शन में आते हैं तब उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और वो उसको अच्छे से फोकसिंग पर्पस के लिए, फोकस करने के लिए हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से ये दोनों एनोड वर्क करते हैं। अब एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फोकस हो जाते हैं तो उसको फिर से एक्सेलरेट करता है, फिर से उसको गति देता है और वो यहाँ से आगे एक लाइन में निकल जाते हैं। अब जो सेकेंड असेंबली होती है बीम डिफ्लेक्शन असेंबली या फिर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स असेंबली। सो यहाँ पे टू टाइप्स की प्लेट्स होती है, एक होती है वर्टिकल प्लेट्स और दूसरी होती है हॉरिजेंटल। अब ये जो वर्टिकल प्लेट्स है वो इस तरह से यहाँ पे लगाई हुई होंगी, जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे तो इस प्लेट्स में से जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है निगेटिव, तो ये जो वर्टिकल प्लेट्स है उसको यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। अब ये प्लेट्स है तो उनको इस साइड से पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। अब ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये साइड को मूव होंगे पॉजिटिव की तरफ। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, सीधा तो नहीं जाएगा पर ये यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए इसे वी वाई, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए इसे वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट कहते हैं और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इस प्लेट के तरफ मूव होता है, अट्रैक्ट होता है, वैसे ही अब वहाँ से वो सीधा सीधा आगे जाएगा। और यहाँ पे है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में क्या होता है, वो इस तरह से खड़ी लगाई गई होती है, तो उसमें जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो इसे भी पॉजिटिव चार्ज दिया होता है, तो वो इस तरह से मूव करेंगी, यहाँ पे ऊपर नीचे मूव करती है, यहाँ पे इस तरह से मूव करती है। तो ये दोनों प्लेट्स का काम क्या होता है कि जो भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया है
उस हिसाब से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे दिखाने का काम करती हैं। उसकी जो स्केल है वो डिटरमाइन होती है। जो हमारा 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है, हम एक वाई एक्सिस दिखाते हैं, एक्स एक्सिस दिखाते हैं, तो उस पे कौन सा पॉइंट कहाँ रखना है, उसका जो वर्क है वो इस दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट्स से होता है। और इस तरह से इन दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे आगे जाती है और यहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है। ये है फॉस्फर स्क्रीन। एक ध्यान रखना है, ये फॉस्फरस स्क्रीन नहीं है, ये सिर्फ फॉस्फर स्क्रीन है। सो ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, तो वहाँ पे फॉस्फरस नहीं लिखना है, फॉस्फर स्क्रीन लिखना है। अब यहाँ पे जब ये बीम आती है, यहाँ पे स्ट्राइक होती है, तो हमें यहाँ पे इमेज यानी कि वेव फॉर्म दिखती है, उसका विजुअलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे यहाँ से लाइट का इमिशन होता है, यहाँ पे एक मिडल में दिखती है हमेशा इमेज, हमें वो मूव करने आती है, वो सीआरओ में देखेंगे हम। बट सीआरटी में तो जब भी यहाँ से बीम हम पास करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ पे वो मिडल में हमें इमेज दिखेंगी, ये पूरे स्क्रीन पे। जितना ही हाई वोल्टेज देंगे उतनी इमेज शार्प होंगी, लो वोल्टेज में थोड़ी कम होंगी, और अच्छे से हमें सारे पैरामीटर्स यहाँ पे विजुअलाइज होंगे इस डिफ्लेक्शन प्लेट्स और ये इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के मदद से। इस तरह से कैथोड रे ट्यूब वर्क करता है। कैथोड रे ट्यूब में हमें ये सारे जो चार इसके असेंबली के पार्ट है वो ध्यान रखने हैं। ये इसकी सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, ये भी पढ़ लो, और इसकी नेमिंग भी हमें अच्छे से करनी है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को शॉर्ट फॉर्म में सीआरओ कहा जाता है। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर एट एवरी पॉइंट। वी हैव टू टेस्ट द वर्किंग ऑफ द सर्किट विद द हेल्प ऑफ सम पैरामीटर्स लाइक वोल्टेज, करंट, डिसिपिएटेड पावर एक्सेट्रा। सो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ हम जब लगाते हैं तब वो तैयार होते हैं। और इस तरह के सर्किट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम उससे वोल्टेज, करंट, पावर मेजर कर सकें। वी ऑल्सो स्टडी द वेव फॉर्म्स ऑफ दिस पैरामीटर्स टू डिसाइड द वर्किंग ऑफ सर्किट। अ वेरी कॉमनली यूज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस टेस्टिंग इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जब हम वोल्टेज करंट मेजर कर रहे होते हैं तब हमें उसका बिहेवियर जानने के लिए उसकी वेव फॉर्म भी स्टडी करनी पड़ती है। अब वेव फॉर्म दिखाने के लिए या देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं। ये एक डिस्प्ले डिवाइस है, यानी कि ये टीवी जैसा होता है, और हम यहाँ पे वेव फॉर्म्स को देख सकते हैं, उसका मेजरमेंट ले सकते हैं, वो किस तरह से कम ज़्यादा होती है, आगे जाती है, पीछे आती है, जो भी वो वेव फॉर्म का बिहेवियर है वो हम देख सकते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन वेव फॉर्म्स व्हेन द डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स आर गिवन। इन द अर्ली डेज इट इज़ कॉल्ड एज ऑसिलोग्राफ। CRO is generally an XY plotter on a single screen. It can display different signals applied to different channels. It can measure amplitude, frequencies, and phase shift of various signals, many physical quantities like temperature and pressure. So CRO एक XY plotter है, यानी कि यहाँ पे हम graph देख सकते हैं। और अभी मैंने जैसे बताया वही है कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज शिफ्ट, ये सारी चीज़ें जो भी ग्राफ से रिलेटेड है वो हम सब इसमें देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सीआरओ कंसिस्ट ऑफ डिस्प्ले डिवाइस सीआरटी, यानी कि कैथोड रे ट्यूब, वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, और उसमें आता है इनपुट अटेन्यूएटर, वर्टिकल एम्पलीफायर, डीले लाइन सर्किट। हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सिस्टम। हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टाइम बेस स्वीप जनरेटर या ट्रिगर्ड और सिंक्रोनाइजेशन सर्किट, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर, गेट एम्पलीफायर और ब्लैंकिंग सर्किट, पावर सप्लाई। ये पांच जो ब्लॉक है उनसे मिला के पूरा सीआरओ बनता है।
यह है ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पे ये फर्स्ट जो है ये है वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, ये है CRT, ये है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सिस्टम, ये है पावर सप्लाई। फर्स्ट है कैथोड रे ट्यूब। सो कैथोड रे ट्यूब, इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करो और वो पहले देख लो। उसमें ये जो कैथोड रे ट्यूब के पूरे मेन कंपोनेंट्स और इसका वर्किंग क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। सो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम में सबसे पहला ब्लॉक होता है इनपुट अटेन्यूएटर, जो कि इनपुट सिग्नल देता है, यानी कि इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। इट सर्व्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ अ इनपुट सिग्नल बिफोर इट पासेस टू वर्टिकल एम्पलीफायर। अब जो भी हम इनपुट दे रहे हैं CRO को, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा वो रिड्यूस कर देता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस करता है, और फिर वो हम वर्टिकल एम्पलीफायर को देते हैं। दूसरा है वर्टिकल एम्पलीफायर। द इनपुट सिग्नल टू बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन ऑफ द CRO इज अप्लाइड टू वर्टिकल एम्पलीफायर। सो इसको हम मेन सिग्नल देते हैं। दिस एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द वीक सिग्नल्स सो दैट दे प्रोड्यूस मेजरेबल डिफ्लेक्शन ऑन द स्क्रीन। सो वर्टिकल एम्पलीफायर में सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, जिस तरह से हमें स्क्रीन पे सिग्नल चाहिए उस तरह से यहाँ पे एम्पलीफाई होता है। वर्टिकल एम्पलीफायर डिसाइड्स द सेंसिटिविटी एंड बैंडविड्थ ऑफ CRO। इट्स आउटपुट इज गिवन एज इनपुट टू द डिले लाइन ब्लॉक। यानी कि वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद का ब्लॉक है डिले लाइन। डिले लाइन, द सिग्नल रीचेस टू द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स बिफोर द हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। दिस कॉजेज डिस्टॉर्शन ऑफ द सिग्नल ऑन द स्क्रीन। टू अवॉइड दिस सिचुएशन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिले एडेड यूजिंग डिले लाइन ब्लॉक। और वो जो डिले होता है वो 60-80 नैनोसेकेंड्स का होता है। अब यहाँ पे देखो, दो टाइप्स की डिफ्लेक्शन सिस्टम होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। तो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम है उसमें जो हम सिग्नल देते हैं वो डायरेक्ट, मतलब जो हॉरिजेंटल प्लेट्स है उससे पहले वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स रिएक्ट होती है और वर्टिकल सिग्नल जो हमारी स्क्रीन है वहाँ तक पहुँच जाता है, और हॉरिजेंटल सिग्नल जो है वो थोड़ा लेट पहुँचता है। तो ये जो गैप है वो गैप ना रहे, इसीलिए हम यहाँ पे डिले लाइन का ब्लॉक यूज़ करते हैं। अगर एक सिग्नल पहले चला जाएगा और दूसरा लेट जाएगा तो वेवफॉर्म है वो अच्छे से दिखेंगी नहीं, डिस्टॉर्शन आ जाएगा और हमें मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब अवॉइड करने के लिए डिले लाइन ब्लॉक यूज़ करते हैं और यहाँ पे यूजुअली 60-80 नैनोसेकेंड्स का डिले देते हैं। ट्रिगर्ड सर्किट। ट्रिगर्ड सर्किट ट्रिगर्ड बाय द पोर्शन ऑफ द वर्टिकल एम्पलीफायर आउटपुट। दिस सर्किट इनिशिएट्स देन टाइम बेस्ड जनरेटर। इट इज द लिंक बिटवीन वर्टिकल इनपुट एंड हॉरिजेंटल टाइम बेस। जनरेट ट्रिगर्ड पल्सेस विच कीप द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सर्किट। सो ये ऐसी पल्सेस जनरेट करता है जो सिंक्रोनाइज रखती है इनपुट सिग्नल को और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सर्किट को, और ये एक ट्रिगर्ड यानी कि इनिशिएटिव देने के लिए यूज किया गया सिग्नल होता है। टाइम बेस्ड जनरेटर, इट जनरेट्स स्वॉटेड वेवफॉर्म्स अप्लाइड टू द हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। इलेक्ट्रॉन बीम वेरीज विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। एक्स एक्सिस ऑफ CRO इज कैलिब्रेटेड एंड इनपुट इज डिस्प्लेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली टाइम बेस्ड जनरेटर है वो सॉटूथ वेवफॉर्म्स प्रोड्यूस करता है और वो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को देता है। सो जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो वेरी होता रहता है, तो उसका जो वेरिएशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होता है, और एक्स एक्सिस जो है CRO की वो कैलिब्रेटेड रहती है इसकी वजह से।
horizontal amplifier includes phase inverter which produces two simultaneous output waveforms. Strength of this sawtooth signal available at the output is not sufficient, so signal is amplified. यहाँ पे जो sawtooth waveform से जो signal आते हैं उसका जो output है वो sufficient नहीं होता है, तो signal जो है यहाँ पे amplify होता है और फिर deflection plates को जाता है. गेट एम्पलीफायर और ब्लैंकिंग सर्किट. वेन द स्पॉट ऑन द सीआरटी स्क्रीन मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड द ट्रेस कैन कॉज कन्फ्यूजन इफ इट इज नॉट एलिमिनेटेड. अब जब जो हमारी वेवफॉर्म है वो एक जगह ही नहीं रहती है, उसकी जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है, यानी कि वो मूव होती है आगे पीछे. तो जब भी ये वेवफॉर्म मूव होती रहती है तब वहाँ पे ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, और वो जो ट्रेसेस है वो अगर हमने एलिमिनेट नहीं किए तो हमें जो हमारी मेन वेवफॉर्म है वो अच्छे से नहीं दिखती है और हमें मेजरमेंट भी लेने नहीं आता है. तो इसीलिए हम गेट एम्पलीफायर और ब्लैंकिंग सर्किट जिसे कहा जाता है वो यूज़ करते हैं. सो ये जो है ये ट्रेसेस को एलिमिनेट कर देता है. अब यहाँ पर दो टाइप्स के पावर सप्लाई होते हैं, एक लो वोल्टेज और एक हाई वोल्टेज. तो लो वोल्टेज पावर सप्लाई जो है वो यूज़ होता है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और हाई वोल्टेज जो है वो एनोड को देते हैं हम सीआरटी के. और हाई वोल्टेज सप्लाई 1000 वोल्ट से 1500 वोल्ट तक होता है. एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ. सीआरओ इज वेरी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. हम सीआरओ अलग अलग और बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं. यहाँ पे जो ये डायग्राम है, जो पिक्चर है, वो एक्चुअल सीआरओ इंस्ट्रूमेंट है. एक्चुअल में सीआरओ इस तरह से दिखता है, जिसमें एक साइड में एक डिस्प्ले लगाया हुआ है, उस पर हम वेवफॉर्म्स देख सकते हैं और वो वेवफॉर्म्स को एडजस्ट करने के लिए दूसरे साइड यानी कि राइट हैंड साइड को अलग अलग बटन्स दिए हैं. सबसे पहला एप्लीकेशन है ऑब्जर्वेशन ऑफ वेवफॉर्म्स. CROs are mainly used to observe waveforms. Ordinary CROs are normally capable of operation in tens of megahertz range. So, हम basically CRO जो use करते हैं वो waveforms के observations के लिए use करते हैं, measurements के लिए use करते हैं. So, जो ordinary CRO होता है वो megahertz की range यानी tens of megahertz की range में हमें waveforms दिखाता है. स्पेशल पर्पज CROs आर अवेलेबल दैट कैन ऑपरेट इन गीगाहर्ट्ज रेंज. ऑर्डिनरी जो होते हैं वो मेगाहर्ट्ज रेंज में होते हैं, बट स्पेशल पर्पज जो होते हैं वो गीगाहर्ट्ज की रेंज में होते हैं. इन स्टोरेज ऑसिलोस्कोप्स द सिग्नल कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. यानी कि ऐसे भी CROs आते हैं जिसमें हम सिग्नल्स को स्टोर कर सकते हैं और वो हमें जब चाहे तब हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज. CROs आर वोल्टेज डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेजेस एट एनी फ्रीक्वेंसी विद इन द रेंज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द CRO. सो CRO जो है वो वोल्टेज डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट है. To measure voltages, the input voltage is applied on the vertical deflection plates and appropriate sweep to the horizontal deflection plate. So, voltages measure करने के लिए input voltage जो है वो हम vertical deflection plates को देते हैं, और जो हमने block diagram में देखा था उस तरह हम horizontal deflection plates को sweep देते हैं. Third है measurement of current. करंट cannot be directly measured with the CRO. So, हम डायरेक्ट करंट तो मेजर नहीं कर सकते. टू मेजर द करंट अ नोन रेजिस्टेंस इज टेकन एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एट बोथ द एंड ऑफ रेजिस्टर. सो हम डायरेक्ट करंट मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप के जरिए हम करंट निकालते हैं. This voltage difference divided by the considered resistance value gives the amount of current flows in the device. So Ohm's law के जरिए यानी कि V is equals to IR. तो यहाँ पे potential difference लेते हैं
और फिर हम करंट निकालते हैं। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इनडायरेक्ट विद अ सीआरओ। द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल इज डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ सीआरओ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। सो हम टाइम पीरियड मेजर करते हैं सीआरओ के जरिए, और टाइम इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/ फ्रीक्वेंसी रहता है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/ टाइम। सो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। द सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी इज टू बी मेजर्ड इज सप्लाइड एज यूजुअल टू द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ द सीआरटी अलोंग विद द स्वीप वोल्टेज टू द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अब देखेंगे हम लिसर जोएस फिगर्स। अब ये जो वोल्टेज मेजरमेंट और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट है वो इस लिसर जोएस फिगर्स के कुछ एप्लीकेशन है, यानी कि इस फिगर्स के जरिए हम वो मेजरमेंट कर सकते हैं, और ये फिगर्स हमें जो सीआरओ है उसके डिस्प्ले पे दिखती है। सो लिसर जोएस फिगर्स आर ज्योमेट्रिकल फिगर्स ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक वेवफॉर्म्स। The two waveforms are applied to the vertical and horizontal deflection plates of CRO respectively. It will represent a set of figures called the Lisa Joyce figures. So, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सारी अब मैं डायग्राम दिखाऊंगी वो Lisa Joyce figures है जो हमें CRO के डिस्प्ले पे दिखती है, और वो हर एक फिगर का जो एंगल है, जो फेज है, वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे फेज एंगल डिफरेंस जो है फर्स्ट फिगर का वो 0 डिग्री और 360 डिग्री है, यानी कि अगर ऐसी डायग्राम हमें दिखी, ऐसी वेवफॉर्म अगर हमें सीआरओ पे दिख रही है, तो उसका फेज डिफरेंस रहेगा 0 और 360 डिग्री। सेकेंड जो है वो है 30 और 330 डिग्रीज के लिए। ये थर्ड वाली फिगर है 45 और 135 डिग्रीज के लिए। ये है 60 और 300 डिग्रीज के लिए। देख सकते हो आप जो सर्कल है, जो इक्लिप्स है, वो बड़ा होते जा रहा है। फिर ये है 90 और 270 डिग्रीज के लिए, जो कि एग्जैक्ट सर्कल है। 120 डिग्री और 240 डिग्री के लिए इस तरह से आता है। 150 और 210, अब ये फिर से मतलब पहले जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में था, अब वो उसका अपोजिट हो रहा है, यानी कि सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 150 डिग्रीज और 210 डिग्रीज, और ये है 180 डिग्रीज के लिए। फंक्शन जनरेटर, फंक्शन जनरेटर इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सिग्नल जनरेटर दैट इज एबल टू जनरेट वेवफॉर्म्स। यानी कि फंक्शन जनरेटर जो है वो वेवफॉर्म्स जनरेट करता है, डिस्प्ले करता है। द मोस्ट कॉमन आउटपुट वेवफॉर्म्स आर साइन वेव्स, ट्रायंगुलर वेव्स, स्क्वायर वेव एंड सॉटूथ वेव्स। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सच वेवफॉर्म्स मे बी एडजस्टेड फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ हर्ट्ज टू सेवरल हंड्रेड किलो हर्ट्ज। सो स्मॉल फ्रीक्वेंसी से वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी तक हम वेवफॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं। Function generators are very versatile instruments as they are capable of producing a wide variety of waveforms and frequencies. Each of the waveforms they generate is particularly suitable for different group of applications. So, हम ये जो function generator है वो बहुत सारे applications के लिए और group of applications के लिए use कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अलग अलग रेंजेस में और वाइड वैरायटीज में वेवफॉर्म्स और फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंट वेवफॉर्म्स प्रोड्यूस करता है। फीचर्स ऑफ फंक्शन जनरेटर, फर्स्ट फीचर, द वेरियस वेवफॉर्म्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय फंक्शन जनरेटर दे आर अवेलेबल एट द सेम टाइम। सो हम मल्टीपल वेवफॉर्म्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हमें सेम टाइम पे अवेलेबल होती है आउटपुट में। Capable of providing the two types of outputs. By providing a square wave for linearity measurements in an audio system, a simultaneous sawtooth output may be used to drive the horizontal deflection amplifier of an oscilloscope, providing a visual display of the measurement result. So this is the example.
यहाँ पे दिया है जब हम स्क्वायर वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी टाइम हम सॉटूथ वेव फॉर्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन के लिए प्रोड्यूस हो रही है, हम सेम टाइम एक ही जनरेटर से कर सकते हैं। सेकेंड फीचर, कैपेबिलिटी ऑफ अ फेज लॉकिंग टू एन एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स। वन फंक्शन जनरेटर मे बी यूज्ड टू फेज लॉक अ सेकेंड फंक्शन जनरेटर एंड द टू आउटपुट सिग्नल्स कैन बी डिस्प्लेड इन फेज बाय एन एडजस्टेबल अमाउंट। वन फंक्शन जनरेटर मे बी फेज लॉक टू हार्मोनिक ऑफ अ साइन वेव ऑफ अनदर फंक्शन जनरेटर। सो सेकेंड फीचर में ऐसा है कि फंक्शन जनरेटर जो है वो एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को लॉक कर सकता है और वो इन फेज यानी कि दोनों सिग्नल सेम फेज में दिखा सकते हैं विद एन एडजस्टेबल अमाउंट। बाय एडजस्टमेंट ऑफ फेज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक्स ऑलमोस्ट एनी वेव फॉर्म मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द समेशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय वन फंक्शन जनरेटर and the harmonics generated by another function generator. The function generator can also be phase locked to an accurate frequency standard and all its output waveforms will have the same frequency, stability and accuracy as the standard. This is the block diagram of a function generator. There are different blocks are present. First is frequency control network. Then, two current supply sources are present, which are connected to integrator, voltage comparator, multiplier is present, and two output amplifiers are present for two different signals. Resistance diode shaping circuit. This is the one block, and capacitor is connected with parallel to the integrator. So, working of function generator. The frequency is controlled by varying the magnitude of the current that drives the integrator. The frequency controlled voltage regulators regulates two current supply sources. Current supply source 1 supplies a constant current to the integrator whose output voltage rises linearly with time. सो जो फर्स्ट करंट सप्लाई सोर्स है वो करंट देता है इंटीग्रेटर को, सो आउटपुट जो है वो लीनियरली राइज होता है, यानी कि एक लीनियर जो वोल्टेज वर्सेस टाइम का कर्व होता है वो लीनियर आता है। एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन द करंट इंक्रीजेस और रिड्यूसेस द स्लोप ऑफ द आउटपुट वोल्टेज एंड दस कंट्रोल्स द फ्रीक्वेंसी। सो करंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसके वजह से हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। द वोल्टेज कंपैरेटर मल्टीवाइब्रेटर चेंजेस स्टेट एट प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम लेवल ऑफ द इंटीग्रेटर आउटपुट वोल्टेज। दिस चेंज कट ऑफ द करंट सप्लाई फ्रॉम सप्लाई वन सोर्स टू एंड स्विचेस टू द सप्लाई सोर्स टू। Supplies reverse current to the integrator so that its output drops linear with time. Output attains a predetermined level. The voltage comparator again changes state and switches on to the current source. The output of the integrator is regular, whose frequency depends on the current supplied by the constant current. इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो ट्रायंगुलर वेव होती है। द कंपैरेटर आउटपुट प्रोवाइड्स अ स्क्वायर वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज आउटपुट। और जो कंपैरेटर का आउटपुट है वो स्क्वायर वेव है, इंटीग्रेटर का ट्रायंगुलर वेव है। द रेजिस्टेंस डायोड नेटवर्क चेंजेस द स्लोप ऑफ द ट्रायंगुलर वेव एज इट्स एम्पलीट्यूड चेंजेस एंड प्रोड्यूसेस अ साइनोसॉइडल वेव with less than 1% digital multimeter ye point dekhenge. Basic principle of digital multimeter. DMM basically converts an input analog quantity into digital signal by means of ADC and then displays input quantity
in the form of digital display by using an electronic counter. तो digital multimeter क्या होता है? यहाँ पे input जो analog quantity होती है, उसे digital में convert किया जाता है. और convert करने के लिए analog to digital converter का use किया जाता है. अब ये जो input है, analog है, उसे जब digital में convert करते हैं, तो वो जो भी output है, वो शो करने के लिए यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले का यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें नंबर्स दिखते हैं. और ये जो पूरी प्रोसेस है, जहाँ पे हमें आउटपुट में नंबर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का यूज किया जाता है. DMM इज नथिंग बट अ डिजिटल वोल्टमीटर. तो हम इस डिजिटल मल्टीमीटर को डिजिटल वोल्टमीटर भी कह सकते हैं. DMM जस्ट कन्वर्ट्स each and every quantity into DC voltage. और digital multimeter कुछ इस तरह से दिखता है, जो आपने आपके practical labs में use किया होगा. तो इस तरह से ये device होता है, जहाँ पे यहाँ पे different quantities है, जैसे कि यहाँ पे ohm दिए गए है, यहाँ पे voltage है, यहाँ पे भी voltage है, यहाँ पे current है जो कि ampere में है, और यहाँ पे ये knobs होते हैं, जहाँ पे हम इस probe को कनेक्ट करते हैं. ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर. तो ये है डिजिटल मल्टीमीटर की बेसिक ब्लॉक डायग्राम, जिस पे सबसे पहले ये दो टेस्ट प्रोब्स है, जो कि एक रेड एक ब्लैक होता है. फिर यहाँ पे डीसी वोल्टेज अटेन्यूएटर, ये फर्स्ट ब्लॉक है. रेक्टिफायर एंड अटेन्यूएटर सेकेंड ब्लॉक है. करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है. रेजिस्टेंस टू वोल्टेज कन्वर्टर है. तो ये चार क्वांटिटीज हम यहाँ पे मेजर करते हैं. अब ये प्रोब जिस भी क्वांटिटी को कनेक्ट होता है, वहां से प्रोसेस आगे के चालू होती है. ये सारे ब्लॉक्स आगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को कनेक्टेड है. और फिर यहाँ पे जब कन्वर्जन हो जाता है, काउंटर सर्किट को आउटपुट दिया जाता है, और हमें यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले पे वो आउटपुट दिखता है. तो मेन ब्लॉक्स कौन से है यहाँ पे? एसी टू डीसी अटेन्यूएटर, करंट टू डीसी वोल्टेज कन्वर्टर, रेजिस्टेंस टू वोल्टेज कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जिसे एडीसी कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर विद डिजिटल डिस्प्ले. अब सबसे पहले हम देखेंगे एसी टू डीसी अटेन्यूएटर का काम क्या है. डीसी अटेन्यूएटर कंसिस्ट ऑफ अ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क. तो यहाँ पे इस ब्लॉक में एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क होता है. The input DC voltage is applied to DC attenuator. अगर हमने input DC voltage दिया है, तो वो DC attenuator के point को connect करना पड़ता है. इसलिए DC voltage यानी कि DC attenuator के block को हमने ये दिया है. It provides different voltage ranges. और इसका जो internal circuit है, वो कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे ये 200 millivolt है, फिर ये 2 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, और ये 2000 वोल्ट है. यानी कि यहाँ पे हमें इस तरह से डिफरेंट वोल्टेज रेंजेस दी गई हैं, जो कि हम आगे मेजर कर सकते हैं. सेकेंड ब्लॉक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एडीसी. इट इज एन इंटरफेस बिटवीन एनालॉग इनपुट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट. तो जब ये फर्स्ट जो चार ब्लॉक थे, जिसमें से हमने अभी डीसी अटेन्यूएटर देखा, तो उसमें जब क्वांटिटी आती है, उसके आगे वो एडीसी को प्रोसेस होती है. तो ये जो बॉक्स है, ये एनालॉग इनपुट और जो आउटपुट है डिजिटल, उसके बीच में का इंटरफेस होता है. आफ्टर कन्वर्टिंग ईच क्वांटिटी इनटू डीसी वोल्टेज, एडीसी प्लेज इट्स रोल ऑफ कन्वर्टिंग डीसी वोल्टेज इनटू डिजिटल सिग्नल और बाइनरी सिग्नल इन ऑर्डर टू ड्राइव काउंटर एंड डिस्प्ले. तो यहाँ पे जो भी हम क्वांटिटी दे रहे हैं, उसे फर्स्टली डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, और वो जो डीसी वोल्टेज है, वो फिर एडीसी को देते हैं, और यहाँ पे डीसी वोल्टेज को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, और हमें काउंटर सर्किट के जरिए हमारे डिस्प्ले पे वो क्वांटिटी दिखती है. ड्यूअल स्लोप एडीसी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डिजिटल मल्टीमीटर due to its better accuracy and high input impedance. तो सबसे ज्यादा जो भी analog to digital converter use किया जाता है DMM में, वो है dual slope ADC.
और ये ज्यादा क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है और हाई इनपुट इम्पीडेंस वो देता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स एंड डिस्प्ले यूनिट। अब एडीसी के बाद जो बॉक्स आता है, जो ब्लॉक आता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, और उसके बाद उसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले यूनिट से हमें दिखता है। इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट दिस सर्किट्स आर वेरी कॉमन नोन एज यूनिवर्सल काउंटर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर और डिजिटल पैनल मीटर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर और डिस्प्ले यूनिट है, ये जो पूरा एक यूनिट है, एक सर्किट है, वो बहुत ही कॉमन है, जिसे यूनिवर्सल काउंटर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर कहा जाता है, या फिर डिजिटल पैनल मीटर कहा जाता है। इन डीएमएम आफ्टर कन्वर्टिंग इनपुट क्वांटिटी इनटू डिजिटल सिग्नल और क्लॉक सिग्नल विद द हेल्प ऑफ एडीसी, इट इज अप्लाइड टू दिस यूनिट फॉर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। अब जब हमने इनपुट क्वांटिटी दे दी है डिजिटल मल्टीमीटर को, उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा चुका है या फिर क्लॉक सिग्नल में कन्वर्ट किया जा चुका है, उसके बाद वो जो आउटपुट है वो इस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर को दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। द गेट सर्किट डिसाइड्स द टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे एक गेट सर्किट होता है, गेट पल्स दी जाती है और उसके हिसाब से आउटपुट मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर हैज 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट। Each display is indicating numbers from 0 to 9. तो यहाँ पे जो भी आउटपुट हमें दिखता है वो एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, जहाँ पे 0 से लेके 9 तक के नंबर्स दिखते हैं। It has several displays with separate decoder and separate decade counter. तो यहाँ पे अगर एक ही डिजिट का नंबर हमें देखना है तो एक डिस्प्ले होगा, अगर हमें 2 डिजिट नंबर देखने हैं तो इस तरह के 2 डिजिटल डिस्प्ले लगाए हुए होते हैं, और दोनों डिस्प्लेस को सेपरेट डिकोडर और सेपरेट काउंटर होता है। अगर 3 लगाने हैं तो 3-3 डिकोडर और 3 टिकेट काउंटर लगेंगे। इस तरह से जितने डिजिट्स हमें चाहिए उतने हमें डिकोडर और काउंटर लगाने पड़ते हैं। इट्स इनपुट ड्राइव्स फर्स्ट डिकेड काउंटर टू डिस्प्ले लास्ट डिजिट और यूनिट्स। After 9th pulse, it produces a carry pulse to the next decade counter to display tens and further hundreds and thousands in similar manner. तो अब इस sentence का meaning क्या है? अब हम जब भी counting करते हैं तो सबसे पहले हम 0 से लेकर 9 तक count करते हैं, फिर 2 digits number चालू हो जाते हैं, यानी कि 10, 11, 12। इस तरह से हम 3 digits, 4 digits count करते हैं। तो अगर हमें 5 प्लस 5 करना है, वहां पे एडिशन क्या आ जाती है? 0, और फिर जो 1 होता है उसे हम कैरी करते हैं नेक्स्ट डिजिट में। तो इसी तरह से यहाँ पे वर्क होता है। तो यूनिट प्लेस पे 0 से लेके 9 तक अगर डिजिट होता है तो वो डायरेक्टली दिखाया जाता है। अगर वहां पे 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो उसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो हमें यूनिट में ही दिखता है, और जो भी टेंस का है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। इट्स वर्किंग इज वेरी सिमिलर विद व्हीकल स्पीडोमीटर। तो हमारा जो स्पीडोमीटर होता है उस पे जैसे हमें नंबर्स दिखते हैं वो बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से इसका भी वर्किंग होता है। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो, ये है यूनिट प्लेस, फिर ये है टेंस प्लेस, ये है हंड्रेड्स प्लेस और ये है थाउजेंड प्लेस। तो यहाँ पे एक डिकेड काउंटर लगाया गया है जो चारों डिजिट्स के लिए सेपरेट है, और यहाँ पे बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर लगाया गया है। तो इस तरह से इनपुट आता है एडीसी से, फिर ये डिकेड काउंटर पे काउंट होता है, 0 टू 9 से लेके जो भी डिजिट है वो यहाँ पे दिखता है, अगर कैरी होती है तो यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाती है, फिर से यहाँ पे हमें वो दिखता है। इस तरह से ये कंटिन्यू होते रहता है। एसी टू डीसी वोल्टेज कन्वर्टर। The above action of DC voltage measurement is carried out for other quantity measurement by using various converters. इस ब्लॉक में different types के converters का use किया जाता है। जो भी AC quantity है उसे हम DC voltage में convert करते हैं और measure करते हैं। When the function switch S is selected to AC voltage position, internally it switches a rectifier circuit to convert AC voltage into DC voltage.
तो जब भी हम हमारे डिजिटल मल्टीमीटर पे एसी वोल्टेज को सिलेक्ट करते हैं, स्विच हम वहां पे रखते हैं, तब बीच में इंटरनली क्या होता है, रेक्टिफायर को कनेक्ट हो जाता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो वही इस सेंटेंस में दिया गया है। इट हैज एन अटेन्यूएटर सिमिलर टू डीसी अटेन्यूएटर टू प्रोवाइड डिफरेंट वोल्टेज रेंजेस। तो यहाँ पे डीसी अल्टरनेटर होता है जो डिफरेंट वोल्टेज की रेंजेस हमें प्रोवाइड करता है। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, व्हेन डीएमएम सिलेक्ट्स करंट मेजरमेंट इट पासेस अननोन करंट थ्रू अ नोन शंट रेजिस्टेंस। तो जब भी करंट मेजरमेंट का जो पार्ट है, स्विच है, वो सिलेक्ट किया जाता है, तब वहां से हम करंट को पास करते हैं और यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस इंटरनली फिक्स किया होता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। अ प्रोपोर्शनल वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड सो दैट एडीसी एंड काउंटर सर्किट मेजर्स वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, एक करंट की वैल्यू हमने पास की है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जो कि हमें हमारे डिजिटल डिस्प्ले पे दिखता है। रेजिस्टेंस टू वोल्टेज कन्वर्टर, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट करंट सोर्स। तो यहाँ पे अब करंट सोर्स जो है वो कांस्टेंट होता है। द नोन कांस्टेंट लो करंट इज पास्ड थ्रू द अननोन रेजिस्टेंस। इस वाले सर्किट में क्या है, इस ब्लॉक में क्या है, हमें करंट पता है और रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो जो करंट होता है वो फिक्स होता है वहां पे बीच में पहले से ही होता है, और हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नली पास करते हैं, यानी कि हमें इनपुट क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। इट प्रोड्यूसेस वोल्टेज ड्रॉप विच इज प्रोपोर्शनल टू अननोन इनपुट रेजिस्टेंस, और हमें आउटपुट पे वोल्टेज दिखता है। इस तरह से ये डिजिटल मल्टीमीटर के सारे ब्लॉक्स वर्क करते हैं। आपको एग्जाम में डिजिटल मल्टीमीटर क्या है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर की ब्लॉक डायग्राम जरूर निकालनी है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, और हर एक ब्लॉक का फंक्शन क्या है वो आपको 2 से 3 सेंटेंसेस में लिखना है। अगर आपको इस डीएमएम में कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।